शिवसेना बीजेपी के पुनः गठबंधन और एक बार पुनः सरकार बनाने पर बड़ा बयान दिया है। आठवले ने कहा कि शिवसेना और भाजपा के मंत्री आपस में बात करें और एक बार फिर महाराष्ट्र में सेना भाजपा युति सरकार बनाए। आठवले ने कहा कि शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस से तंग आ चुकी है। नारायण राणे और शिवसेना के संबंध सुधरे। उन्होंने ये भी कहा कि वह खुद इस बारे में देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। वैसे तो बारिश का मौसम है, पर महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और भाजपा के गठबंधन की चर्चाओं की बारिश हो रही है और अब केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी इस बात का स्वागत किया है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद के एक सरकारी कार्यक्रम में भाजपा को भावी सहयोगी पुकारा। उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में कहा, मेरे मौजूदा पूर्व और यदि हम साथ आते हैं तो फिर भविष्य के सहयोगी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा जहां रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे बैठे हुए थे। ठाकरे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर शिवसेना और भाजपा के गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई है। अब इस चर्चा का केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी स्वागत किया है। रामदास आठवले ने कहा कि शिवसेना और भाजपा के मंत्री आपस में बात करें और एक बार फिर महाराष्ट्र में सेना भाजपा युति सरकार बनाए। आठवले ने कहा कि शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को तंग आ चुकी है। नारायण राणे और शिवसेना के संबंध सुधरे। उन्होंने ये भी कहा कि वह खुद इस बारे में देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। मी अनेक वेळेला ही भूमिका मांडलेली आहे की 2.5 वर्षाच्या मुख्यमंत्री पदावर चर्चा होऊ शकेल किंवा 3-2 वर्षाच्या मंत्रिपदावर चर्चा होऊ शकेल। तर त्या संबंधामध्ये मला वाटतं बीजेपीच्या नेत्यांनीही उद्धव ठाकरे यांच्याशी बोलावं, उद्धव ठाकरे आणि बीजेपीच्या नेत्यांनी बोलावं आणि दोघांच्या फायद्यासाठी या दोघांनी एकत्र आलं पाहिजे असं माझं व्यक्तिगत मत आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विकासालाही चांगली मदत होणार आहे। आणि म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी जे संकेत दिलेले आहे त्याप्रमाणे कदाचित उद्धव ठाकरे हे काँग्रेस राष्ट्रवादीला वापसागलेले आहे। पुन्हा पुन्हा त्यांच्या संबंधामध्ये अनेक विषयांवरती उलटसुलट चर्चा होत असते, त्यामुळे मला उद्धव ठाकरे यांचे संकेत दिलेले आहे। त्याप्रमाणे शिवसेनेमध्ये सुद्धा अनेक आमदार असे आहे की त्यांचं म्हणणं असं आहे की आपण बीजेपीसोबत राहिलं पाहिजे, त्यामुळं उद्धव ठाकरे यांनी तसा निर्णय घ्यावा आणि लवकरात लवकर सरकारमध्ये बदल व्हावा, या सरकारमधून उद्धव ठाकरेंनी बाहेर पडावं आणि बीजेपीसोबत दोस्ती करू, बीजेपी RPI आणि शिवसेना मिळू, आपण या महाराष्ट्रामध्ये सरकार बनवूया, अशी त्यांना आमची सूचना आहे, विनंती आहे। वैसे तो ये पहली बार नहीं है कि जब शिवसेना और भाजपा के पुनः गठबंधन की कायास लगाए जा रहे हैं। इसके पहले भी उद्धव ठाकरे ने PM नरेंद्र मोदी से 45 मिनट की चर्चा की थी, तब से ऐसे कायास लगे थे। अब क्या सच में शिवसेना और भाजपा का गठबंधन होगा और क्या महाराष्ट्र की सरकार बदलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा, जिस पर रहेगी BCN न्यूज की नजर। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।